नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राणवायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे तीन शरीर होते हैं, एक ये बैठा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं, एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहाँ भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा, मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर, ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, दो शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो, मैया कौन सा है ये? थूल, थूल नहीं, स्थूल, आधा सा स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है, वही शरीर हमारा मरने के बाद यह शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13 ना हो जाए। 13 का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13 में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है, तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13 में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे, उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है, तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है, और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर, अरे राम 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 मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, पर समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां, इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, हिसाब जब होगा पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना भोगना तुम्हें ही है। चलो यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया, अच्छा देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को दो रोटी तक नहीं दी,
देखो तुमने अपनी मां के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया। और ये बहुओं की फाइल जब खोलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया, सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूं। तो अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला हिसाब किताब आ गया, इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले? मैया बोल दो मेरी माँ, 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहां 5 किलो के हिसाब लेके चले। देखो हम तो समझाने के लिए लेके चल रहे हैं 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं और किसी के केवल 2 ग्राम पुण्य होते हैं और किसी के पुण्य ज्यादा है। पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है, भगवान जाने आप लोगों का कितना निकलेगा। तो वहां पर फिर यमराज जी, अब कितना निकला? 5 किलो पाप। माना कि 5 किलो पाप निकला, तो फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहां नरक में रखा जाता है और नरक की यातनाएं दी जाती हैं और फिर नरक से रिफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता, अब ये हमारे बस का नहीं है, यहाँ जितना होना था हो गया, अब वहाँ ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहाँ होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहाँ नरक में रखा जाता, कुछ दिन वहाँ धुलाई उलाई होती है आप लोगों की। अब बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर, रौरव महारौरव कुंभी पाक अंध्र तामिश्र कालसूत्र असीपत्रवन सुकर्मुख, ऐसे 28 नरक हैं। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकर्मुख नरक में डाला जाता है। वहां एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है उसे वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गर्म उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, फिर वहां पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग, वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप? जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा उठा के हे ले और पाप कर ले, मजा आ रहा था पाप करने में, पिट। यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है, अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती हैं ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं, परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहां आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहां, फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा, फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है, जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता है,
तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको शुअर बना के गंदी नालियों में, अपना आप लोग भी यदि शराब वराब पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहाँ पे आएंगे। शराब पीना महापाप है, मैंने पहले कथा में बताया है आपको, पांच प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये चार महापापी है, और पांचवा महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी पांचवा महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये पांच प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा शुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा, उल्टा लटकी रहो कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़, फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा, पेड़ बन के खड़े हैं। अब पेड़ वेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा, फिर 84 लाख योनियों के अंत में आखिरी योनि है गौ माता की। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति, जब आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। जब आदमी निष्पाप हो जाता, तुमने सारे भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग के खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, तब आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है, फिर आपको गाय बनना पड़ता है। गाय गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आ गए गौवंश, और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागती हो, गाय का गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं कि वाह अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। वो 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते हैं जाओ अब तो मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूं, तो ये जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो, ये तुम्हें सुअर खाने के लिए नहीं मिला, चोरी करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भैया केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। क्यों नहीं समझते, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, क्यों जरा से सुख के पीछे अपना सब कुछ बिगाड़ रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो, जरा सा तुच्छ सा सुख पैसे का, पत्नी का, परिवार का, भोगों का, इसके चक्कर में आदमी लोक परलोक बिगाड़ के 84 की यातनाएं भोगने पर मजबूर हो रहा है, जरा से सुख के लिए सब छोड़कर, सबसे मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए, यही मानव जीवन की सार्थकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही अंतिम सत्य है। अब ये कितनी देर में आपको ये इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ पुराण बनाए, केवल इतनी सी बात समझाने के लिए कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है, बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे पुराण बनाए गए और इतने सारा कुछ समझाए कि इतनी सी बात जिस दिन समझ में आ जाए बस वही आपका जीवन है। ये 84 लाख योनियों का मैंने विवरण आपको दिया, 84 लाख योनियां हैं, इनमें कीट पतंगा मच्छर मक्खी सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे मछली सब आ गए, उड़ने वाले पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर नाना सब आ गए। जलचर मतलब जल के जीव, थलचर मतलब थल में रहने वाले और गगन आकाश में उड़ने वाले, नभचर
नवचर आ गए, सब आ गए, बस बड़े आखिरी में ये मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए चींटियों की संख्या ज्यादा है। भारत में सिर्फ 135 करोड़ लोग रहते हैं, ओनली 135। नई जनगणना आएगी तो 140 होंगे, 150 करोड़ होंगे अधिक से अधिक। भारत में प्रेजेंट में जो हमें जनगणना प्राप्त है उसमें 135 की बात है, 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। पर मुझे बताओ चींटी कितने करोड़ होंगी पूरे भारत में, कोई गिनती है? मच्छर कितने करोड़ होंगे, हाथी मक्खी कितने करोड़ होंगी, चींटियां हाथी चींटियां मक्खी और ये चींटी चमगादड़ और ये भेड़ ये सुअर ये सब गिनती करो तो आदमी से ज्यादा ये लोग पाए जाते हैं। क्यों? कोई करोड़ों सुअरों के बाद, करोड़ों भोग भोगने के बाद, योनियों में जाने के बाद, तब कहीं जाकर एक बार ईश्वर मौका देते हैं मनुष्य का। इसलिए तुम्हारी जनसंख्या कम है चींटियों की ज्यादा, क्योंकि वो तो अभी भोग ही रही हैं अपने कर्मों का दंड। अब मैं यहां मनुष्य के बाद जब मैं मरूंगा, ये शरीर छोड़ूंगा, इसके बाद पता नहीं मैं कहां जाता हूं, कितनी बार मुझे कीड़ा बनना पड़ेगा। यदि मैंने अच्छे कर्म किए तब तो मोक्ष हो जाएगा, भगवान के चरण मिल जाएंगे, परमधाम वैकुंठ साकेत लोक मिल जाएगा। और नहीं तो यदि मैंने भी जरा सा संसार से मोहब्बत कर ली और मैंने भी भगवान को विसार दिया तो फिर मैं भी जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसता रहूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु की चक्की, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, यही करते करते खत्म। इसलिए कितने मेहनत के बाद, कितने जन्मों के बाद ईश्वर ने मनुष्य बनाया, और उन मनुष्यों में भी तुम गर्व से कह सकते हो कि भगवान की विशेष कृपा थी आप लोगों पर, इसलिए भारत भूमि में जन्म दिया है ईश्वर ने तुम्हें। और भारत भूमि में भी तुम्हें सनातन धर्म में भेजा है परमात्मा ने, उस धर्म में जिस धर्म में गंगा को माता, यमुना को माता और समुद्र को भगवान देवता माना जाता है, उस धर्म में तुम्हें भेजा गया है जिस धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है। ये धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। भाग्यशाली हो आप लोग कि आप लोग कथा सुन लेते हैं, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। अभागी हैं वो लोग जिनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। तुमको लगता है अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं? ना जी, पैसे अलग विषय है मेरी मां, आध्यात्म अलग विषय है। पैसों से इस ज्ञान की तुलना ना करना। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, इस मार्ग को पैसों से तुलना ना करना। मीराबाई के पास क्या पैसों की कमी थी, लेकिन मीराबाई ने जिनके खजाने सोने के थे उन खजानों को छोड़ करके दुनिया से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। यदि पैसों की बात करेंगे तो ये आध्यात्म जगत पैसों से मैच नहीं करेगा। यहां त्याग चाहिए, आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या उसके पास, अरे राजा की बेटी थी मीरा और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी, कोई कमी नहीं थी उनके घर पैसों की, लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने, घर छोड़ दिया, है ना? वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार को तोड़ दिया।
अब आप कहें कि महाराज अमेरिका तो पैसे वाला है, तो पैसे से इस आध्यात्म की तुलना ना करना। ये जो सुख है, आध्यात्म का सुख है, इस सुख के सामने तो पैसे वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको बता दूं, हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। नीम करौरी जी महाराज जी का नाम सुना होगा, स्वामी देवरहा बाबा जी का नाम सुना होगा, क्यों, स्वामी श्री कृपात्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुषों के सामने पैसे वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पैसों की कोई गिनती नहीं है, आत्मज्ञान के आगे, किसके आगे, आत्मज्ञान के आगे, भक्ति के आगे, आत्मबोध के आगे किसी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से ना की जाए। भारत आध्यात्म देश है और इस आध्यात्म सृष्टि में आध्यात्म गुरु यदि कोई है तो भारत है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ये त्याग, ये तपस्या की धरती है। भोगी बनना है तो अमेरिका का रुख कर लो, पर योगी बनना है और जीव मात्र को कल्याण चाहिए तो फिर भारत की धरती में रहकर त्याग तपस्या से परमात्मा का चिंतन करो, इसी से तुम्हारा लोक परलोक सवरेगा। ये तो कबीरदास की धरती है। कबीरदास जैसे महापुरुषों के आगे बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे। नहीं सुना रैदास जी का नाम, रैदास जी के आगे बड़े बड़े राजा आते थे, उनका जो कठौता था ना उसमें कहावत निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास भक्त, वो रैदास भक्त जो जूता सिलते थे और परमात्मा का चिंतन करते थे, जूता सिलने वाले रैदास के घर ना बड़े बड़े राजा माथा टेकने आते थे। रैदास जी की चौखट में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा माथा रगड़ते थे कि रैदास जी एक कृपा की दृष्टि कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे रैदास जी ये आध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं जिनके आगे पैसों की कोई वैल्यू। इसलिए आध्यात्म की तुलना धन से ना की जाए। यदि तुम धन वाली बात करते हो तो फिर धन में उलझे रहो। मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाना, धन कमाना है, काम धन से करना है, पर धन में आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति केवल भगवान से हो, मन भगवान में लगे, पैसों में मन ना लग जाए। मैं यहां बार बार सचेत कर रहा हूं आपको, ठीक है। इसलिए इस विषय को समझ लो तो नरक जाने से बच गए। तो यदि आप लोग नरक जाने से बच गए तो समझ लो आपका मानव शरीर सफल हो गया, और यदि नरक चले गए तो आपका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। फिर 84 का चक्कर, 10वीं फेल हो गए तो फिर पार्ट 1 लेसन 1, फिर वही पुस्तक पढ़ो, फिर वही 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यदि 84 के चक्कर से बचना है तो केवल भगवान कृष्ण का चिंतन करो, श्रीमन नारायण का चिंतन करो, श्री सीताराम का चिंतन करो। इसी से हम सब का उद्धार है, हम सब का कल्याण है। समझ में आ रहा है?